आयोग ने मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी को नोटिस जारी करके मामले की रिपोर्ट मांगी है और 4 सप्ताह का समय दिया है। देखिए, उस घटना का जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, हमने भी देखा था और बहुत ही मैंने गंदा लगा था वो दृश्य देख करके। वो लड़कियां जो है, वो मास्टर जो है बुजुर्ग आदमी, उनको इस तरह से पीट रही है। मैंने कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों, मतलब जस्ट ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पुलिस की वर्दी मिल गई है, हाथ में डंडा मिल गया है, अब उसका जो है रुतबा वो दिखाने के लिए एक बेवजह मैंने मारपीट उन लोगों ने किया। बाद में हमने देखा कि एसपी ने 3 महीने के लिए उन लोगों को होम गार्ड के कार से मुक्त कर दिया था। ठीक है, बेहतर है ह्यूमन राइट कमीशन भी इस मामले की जांच करा ले और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना जो है फिर नहीं हो। बिहार जदयू में घमासान मचा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि आरजेडी के साथ जो डील हुई उसको बताना चाहिए। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं उनको जो बोलना है बोलो, हमसे आके बात करें, नहीं करते हैं तो वो। अब ये आपस का मामला है इन लोगों का, इसको किस तरह से सलटते हैं वो देखा जाए। ये नीतीश कुमार से मैंने सवाल कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, अब नीतीश कुमार जी क्या जवाब देते हैं या नीतीश कुमार जी क्या जवाब दिलवाते हैं ये देखने की बात है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। राजधानी लखनऊ के एक हनुमान मंदिर के बाहर पोस्टर लगाया गया है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के MLC, उनको मंदिर में घुसने पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जो कहा वो भी अच्छे टेस्ट में उसको नहीं माना जाएगा और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये जो कार्रवाई हो रही है ये भी उसी तरह की कार्रवाई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को आप पुष्ट क्यों कर रहे हैं मंदिर में उनके मैंने प्रवेश से रोक पर, जो जिस ढंग का उन्होंने वक्तव्य दिया था आप अपेक्षा कैसे करते हैं कि वो जाएंगे मंदिर में, और जाना भी चाहेंगे तो आप क्यों रोकेंगे। भाई, भगवान का घर है, भगवान के घर में कोई भी जा सकता है, पापी भी जा सकता है, पुण्यात्मा भी जा सकता है। तो ये दोनों तरफ से जो इस तरह का विवाद मचाया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। समाज जो है, कोई भी समाज जो है तनाव से नहीं बनता है, समाज समन्वय से बनता है। और ये मैंने दोनों पक्ष जो है वो लगता है कि समन्वय नहीं, टकराव चाहता है। उधर समाजवादी पार्टी के जो MLC स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई है शिवेंद्र मिश्रा ने। IPC की धारा 153 है, 295 है, 298, 504, 505 लगाया गया। ये सब बेवजह का है। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के तरफ ध्यान नहीं जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पिछड़ी जात से आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको देश के अंदर जो बेरोजगारी है, देश के अंदर महंगाई है, मैंने आपस में जिस ढंग से गरीब और अमीर के बीच में खाई जो है बढ़ती जा रही है, इन सब सवालों को उठाना चाहिए, उठा करके इन पर संघर्ष करना चाहिए। बेवजह इस तरह के सवाल को, बेतुके सवाल को, लगता है कि जैसे जनता से रिश्ता ही खत्म हो गया है। आप इस तरह से करके आप नरेंद्र मोदी से संघर्ष नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं के मैंने अखाड़े में जाके उनसे लड़ना चाहते हैं। बेहतर है कि उनको आप अपने अखाड़े में ले आइए और यहाँ उनसे सवाल कीजिए तो बात समझ में आती है। पहलवानों और पहलवान एसोसिएशन और सरकार के बीच समझौता हुआ था, हमें आश्वासन दिया गया था कि ओवरसाइट कमेटी गठन से पहले हमसे सलाह ली जाएगी। बहुत दुख की बात है कि इस समिति के गठन से पहले हमसे सलाह तक नहीं ली गई, ओलंपियन पहलवान साक्षी मलिक ने यह कहा। अब उन लोगों के बीच में क्या बातचीत हुई थी अब यही लोग बता रहे हैं। अगर इस तरह से आश्वासन दिया गया था कि कमेटी का गठन होगा, उसमें आप लोगों से भी राय मशविरा किया जाएगा, वो नहीं किया गया, बगैर किए जो है, तो ये गलत बात है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो मैंने कुश्ती के अध्यक्ष हैं, वो जिस ढंग से अड़े हुए थे कि नहीं साहब, हम किसी भी कीमत पर हम हटने वाले नहीं हैं, वो यहाँ तक कह रहे थे कि हम किसी की कृपा पर बने हुए नहीं हैं, यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम अगर मुँह खोल देंगे तो सुनामी आ जाएगी, उनको लोगों ने हटने के लिए मजबूर किया। मेरी कौम के अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनी है। अब इस कमेटी को लेके अब हम नहीं जानते हैं मैंने इन लोगों का जो की शिकायत है, उस शिकायत में कितना दम है, इसको मैंने सलटा लेना चाहिए और इस विवाद को मैं जो आरोप लगा है
कितना सच है कितना झूठ है ये सामने आना चाहिए। और इस तरह से अगर प्रमाणित होता है, जो मैंने हमको लग रहा है कि जिस ढंग से जिस मजबूती के साथ धरना पर मैंने महिला पहलवान पुरुष पहलवान सब बैठे, सब ओलंपियन लोग, देश के गौरव लोग हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बात है जिससे मजबूर होकर के उन लोगों को धरना देना पड़ा है। हम दिग्विजय सिंह के निजी विचारों को की कदर नहीं करते, उनके विचार जो हैं बाहरी हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि सशस्त्र बल असाधारण रूप से अपना काम करती है और उन्हें इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के ना, वो तो ठीक है, जयराम रमेश जी का भी आ गया था कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इसमें मैंने सेना पर आरोप लगाने का कहां सवाल उठा है। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि भाई उनको आरडीएक्स इतना कहां से मिला। मैंने अभी तक देश जो है को जानकारी नहीं है वो नौजवान कहां से आया, उसको गाड़ी कैसे मुहैया हुई, आरडीएक्स कहां से मिला, वो जो डीएसपी था जिसके गाड़ी में दो आतंकवादी पकड़े गए उसका क्या हुआ, वो कहां गया, किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो लोगों को नहीं है। और जिस तरह से घटना हुई पुलवामा की, और पुलवामा की घटना के बाद कहा गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जहां हुआ वहां दुनिया भर के पत्रकार गए, ये नहीं कि हिंदुस्तान के ही लोग गए, उसको लेकर के विवाद जो है पैदा हुआ, तो इसका लोग जवाब चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सेना पर कोई, सेना के चरित्र पर या सेना के मैंने बहादुरी पर, सेना के देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अब आप जो है जवाब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप ढाल के रूप में सेना को खड़ा कर रहे हैं कि देखिए सेना को चुनौती दे रही है। भाई आप प्रधानमंत्री जी ने तो खुद जो है सेना के बारे में कहा, चीन के सेना के बारे में कहा है कि न घुसे हैं न घुसे हुए हैं, उन्होंने खुद कहा। जबकि लद्दाख के जो एमपी हैं, उस इलाके के एमपी हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ के हजारों एकड़ जमीन पर चीन का कब्जा है, उन लोगों का कहना है। तो एक समय में आप झूला झूलाते थे, एक समय में मैंने लग रहा था कि व्यक्तिगत मैंने आप लोगों के बीच में दोस्ती जो है सहोदर भाइयों से भी बढ़ करके दोस्ती है। तो गंगा का आरती दिखा रहे हैं, तो महाबलीपुरम में नारियल का पानी पिला रहे हैं, और उसके बाद अचानक जो है ऐसी स्थिति आ गई है। इसलिए ये सेना का आड़ लेकर के बचना नहीं चाहिए, ये भ्रम क्यों बना रहा है, सरकार को जवाब दे देना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने जो सवाल किया है उसका, पहली बार राहुल गांधी ने कहा है कि वह सेना का सम्मान करते हैं। दिग्विजय सिंह आपके साथ हजारों किलोमीटर चले, क्या आप उन्हें समझा नहीं पाए? क्या उसने इससे पहली बार कहा था सशस्त्र बलों को लेकर आपके डोलमोल रवैये को लेकर भाजपा आज आपसे अंतिम हिसाब करेगी? ये चोर का प्रसाद ने ये कहा, ये चोर के दाढ़ी में तिनका है, जो मूल सवाल है उससे उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रोज रोज चिल्ला चिल्ला के कहा जाए कि सेना बहुत बहादुर है, सेना बहुत देशभक्त है। ये तो सब लोग, पूरे देश का एक एक नागरिक जो है उसको अपने सेना पर फक्र है। और सेना के बॉर्डर पर कौन लोग गए हैं भाई, जो गरीब लोग हैं, किसान मजदूर के बेटे हैं, वही लोग जो है जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वही लोग मारे जा रहे हैं। ये जो बयान देने वाले लोग हैं, इनसे पूछिए, इनके परिवार का कोई गया है सेना में, कभी फौज में गया है? नरेंद्र भाई मोदी से पूछिए कि गुजरात का कोई सेना में शहीद हुआ है या नहीं शहीद हुआ है? ये कोई मतलब नहीं है। सेना का आड़ लेकर के आप जो है अपने पाप को ढकना चाहते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुप्त चीजों को सार्वजनिक करने को लेकर के मंत्री ने हल्ला बोला, कहा है कि गंभीर चिंता का विषय है। सरकार के साथ झगड़े के बीच सरकार की आपत्तियों पर खुफिया एजेंसी रा और आईबी के द्वारा सार्वजनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अभूतपूर्व कदम था। सुप्रीम कोर्ट के सामने रास्ता क्या बचा था? जिस ढंग से हमला हो रहा है और जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है, उसमें यह आरोप लग रहा है कॉलेजियम को लेकर के, तो कॉलेजियम ने सब कुछ सामने रख दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सरकार का क्या ऐतराज है, वो ऐतराज किस तरह का है, उस ऐतराज के रहते जो है वैसे आदमी को जज बनाने के लिए कॉलेजियम को इंसिस्ट करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ये सब बात सामने आ गई। तो इस मामले में खुलापन जो है हमेशा अच्छा होता है, सेक्रेसी जो है वो हमेशा खराब होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले का खुलासा कर दिया है, ये बहुत अच्छा किया है। और ये जो बेचैनी है इन लोगों के, किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करें, किस तरह से हम अपना जो है नॉमिनी जो है जज बनावें, इसी की लड़ाई है, इसी की लड़ाई है। और इसी की लड़ाई में
किरण रिजिजू जी के क्या औकात है, क्या हैसियत है इनकी, लेकिन इनके पीछे पूरी की पूरी सरकार है। देखा आपने देश के उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने कहा पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं, सुप्रीम भारत का संविधान है, उस संविधान से ही पार्लियामेंट निकला है, उस संविधान से ही देश के नागरिकों को वोटिंग का अधिकार मिला है। तो जो अधिकार नागरिकों को मिला है उस अधिकार की रक्षा के लिए और संविधान का की जो मूल भावना है उसकी रक्षा की जवाबदेही जो है वो अदालत को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि पार्लियामेंट का से जो पास हुआ कानून उसको कॉलेजियम बदल नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसके पहले वेंकैया नायडू ने ही खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैंने जो भारतीय संविधान है वही मूल है, भारतीय संविधान से ही बाकी चीजें निकली है। इसलिए संविधान के प्रति निष्ठा का जो कसम खिलवाया जाता है प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक, उसके पीछे कारण यही है। जयराम रमेश को लेकर के महेश जेटली ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जयराम रमेश जो है चीनी के पेट होने के संबंध में यह बहुत स्पष्ट है, मैंने एक लिंक साझा किया है जिसमें चीनी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और भारत सरकार से कह रहे हैं कि वह जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दे। एक चिंतित भारतीय के होने के नाते मुझे चिंता है कि वह संवेदनशील सीमा मुद्दों पर भारत की स्थिति को चुनौती दे रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा चीन के फौज के बारे में कि हमारे अंदर है, उसका सहारा चीन के लोगों ने लिया। जो बाकी लोग आरोप लगा रहे थे कि चीनी फौज अंदर घुसी हुई है, तो कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि नहीं घुसी हुई है। तो जिसको माने डेमोक्रेसी है, लोग बात करते हैं, उसमें पाकिस्तान को कोई बात सूट कर गया, चीन को कोई सूट कर गया, उसको कोट करते हैं लोग। कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की बात निकली है जिसको हम लोग पकड़ के उनको आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ये समान प्रक्रिया है। अब इसको लेकर के आप जो है देशभक्ति, तो सबसे बड़ा सवाल ये है जो देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, देश के अंदर तरह तरह का टकराव का जन्म देने वाले लोग हैं, वही लोग सबसे बड़े देशभक्त जो है बने हुए हैं और दूसरे के देशभक्ति पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं।